से तेज किया डिजिटल सदस्यता अभियान। कांग्रेस भवन में आयोजित की बैठक, सदस्यता अभियान को तेजी से चलाने पर दिया जोर। लक्सर में हिजाब को लेकर मचा बवाल, संजय गुप्ता ने दिया बयान, कहा हिजाब हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं। ऋषिकेश में चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ताओं ने पीएम को सौंपा ज्ञापन, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। हरिद्वार में कांवड़ मेले में शिव भक्तों का आगमन, व्यापारियों के खिले चेहरे, कोविड के चलते स्थगित हुआ था मेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद अब कांग्रेस अपने डिजिटल सदस्यता अभियान को तेज करने का काम कर रही है। देहरादून कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ संगठन की बैठक हुई, जिसमें डिजिटल के जरिए सदस्यता अभियान को और तेजी से चलाने पर जोर दिया गया। आज हमारे जो उत्तराखंड के पीआरओ हैं चंद्रशेखर जी और पाठक जी, वो आए थे। उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप के परिप्रेक्ष्य में एक डेमो दिया और डिजिटल मेंबरशिप करने का पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है। और हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर ही जो है डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से ज़्यादा लोगों को जो है कांग्रेस से जोड़ने का काम करें, तो इसके तहत ही ये बैठक आहूत की गई। वही ऋषिकेश में अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर भड़क गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर के एस पालियान के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के जरिए प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार की ओर से दो सप्ताह में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एसडीएम साहब के द्वारा। उसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि जो ऋषिकेश में दवाई फैक्ट्री IDPL है, ये वर्षों से बंद पड़ी है। हमारी मांग है इसे चालू किया जाए ताकि लोगों को, क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोज़गार मिल सके, जिससे और दवाई ऑक्सीजन की आपूर्ति भी उत्तराखंड को मिल सके। दूसरे नंबर की मांग है कि जो IDPL के पीछे जो कृष्णा नगर कॉलोनी है, उसे और खांड गाँव को या तो राजस्व ग्राम घोषित किया जाए या इसे नगर निगम में शामिल किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। और उसके बाद में जो IDPL के आवासीय कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो उन्हें यथावत रखा जाए या सरकार किसी भी आवासीय योजना के तहत उन्हें आवास उपलब्ध करावे। और चौथे नंबर पर हमारी मांग है कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 550 मलिन बस्तियाँ हैं जो अनियमितता का दंश झेल रही हैं, उन्हें सरकार विनियमितीकरण करे जिससे उन्हें मालिकाना हक मिल सके और वो भी मूलभूत सुविधाओं के पात्र हो सके। हिजाब को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर लक्सर विधायक संजय गुप्ता का कहना है कि हिजाब हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, ये तालिबानी संस्कृति है, इसे हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है, वो देश को अलगाववाद की आग में झोंकने का काम कर रही है। तो लक्सर की तस्वीरें, जहां पर हिजाब को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, तो लक्सर भी आग पहुंच चुकी है। इसे लेकर लक्सर के विधायक संजय गुप्ता का कहना है कि हिजाब हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, ये तालिबान की संस्कृति है, इसे हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है, वो देश को अलगाववाद की आग में झोंकना चाहती है। सुसंस्कृत तरीके से रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये तालिबानी फरमान है और हिंदुस्तान में कदई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको। हम चाहते हैं मर्यादा में रहें सब और जो हमारी संस्कृति हो उसको अपनाएं। ये तालिबानी संस्कृति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इसकी हम जड़ें उखाड़ के रख देंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रवीण सैनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, हिजाब का जो मुद्दा है वो देश भर में गर्म है, लक्सर तक आग पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पर भी राजनीति इस पर शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो लक्सर से भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता, उन्होंने हिजाब को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि जो हिजाब वाला मामला चल रहा है, जो यहाँ के है, जो इनको हमारे संस्कृति में चलना होगा, और जो ये इनका हिजाब वाला मामला ये तुगली फरमान है इनका, और जो यहाँ पर रहेगा तो उसको हमारे संस्कारों में चलना पड़ेगा, और जो नहीं चलेगा तो तालिबानी, जो तालिबान होता है वही यहाँ करना चाहे तो उस पर हम कड़ा विरोध करते हैं, और जो भी तालिबानी तबद्धा को यहाँ लाना चाहेगा उसका कड़ा विरोध करेगा, और जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इसे किसी भी प्रकार से लागू नहीं किया जाएगा। जी, तो इसको लेकर किस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि संजय गुप्ता का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति हिजाब नहीं है, ये तालिबान की संस्कृति है, कांग्रेस पर वो हमला बोलते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है। देखिए, बिल्कुल, जो भाजपा के विधायक संजय गुप्ता, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा पार्टी है वो बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है या जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता है वो मुस्लिम जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं, इस तरह की जो राजनीति करता उसके खिलाफ भी सख्त लहजे में कहा कि जो हमारे यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको भी अड़े हाथों लेकर कहा कि जो हिजाब वाला मामला ये तालिबानी है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा नहीं और इसको किसी भी तरह से हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जी, चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लक्सर का एक पूरा मामला है जहां पर हिजाब को लेकर जो विवादित बोल हैं वो लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, जहां एक तरफ संजय गुप्ता ये कह रहे हैं कि हिजाब हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है, वहीं हिजाब मुद्दों को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है, क्योंकि जिस तरह के आरोप संजय गुप्ता लगा रहे हैं उसे कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने जिला मॉनिटरिंग कमेटी को निर्देश दिए हैं कि किस सरकारी अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी जांच कर 8 मार्च तक अवगत कराया जाए। आज कोविड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने अपनी वेबसाइट में सारे सब सेंटर्स, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल्स में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में एक लिस्ट दे रखी है, जो कि हमने हमारी एप्लीकेशन 9023 में लगाई हुई है, और हमने प्रार्थना करी कोर्ट से कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ को बोला जाए कि इनकी जाँच करें और यह फैसिलिटीज़ उन सेंटरों में, उन हॉस्पिटलों में अवेलेबल है या नहीं है उसकी रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत करें। कोर्ट ने हमें सुनकर यह आदेश करा है कि वह एप्लीकेशन की कॉपी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ को अवेलेबल कराई जाए और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ उन सब सेंटर्स, हॉस्पिटल्स और पीएचसी, सीएचसी में जाके उन फैसिलिटीज़ की जाँच करेंगे और अपनी रिपोर्ट 8 मार्च से पहले कोर्ट में देंगे, और 8 मार्च को इसकी अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। पिथौरागढ़ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2022 चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर से एक व्यक्ति की तरफ से अपने साथियों सहित खुद ही वोट लगाकर डाला जा रहा है, जो कि गंभीर मामला है। वहीं इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने जाँच के आदेश दिए। निर्वाचन अधिकारी डीडीहाट अनुराग आर्य ने कहा कि इसके जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पिथौरागढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है। दरअसल इसमें 2022 चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर से एक व्यक्ति की तरफ से अपने साथियों सहित खुद ही वोट लगाकर डाला जा रहा है, जो कि गंभीर मामला बताया जा रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई, जिसके बाद जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कंप्लेंट जो है प्रदीप सिंह पाल जी जो हैं 43 डीडीहाट विधानसभा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई है कि एक वीडियो में कुछ लोगों द्वारा पोस्टल बैलेट से वोट दिया जा रहा है और एक व्यक्ति द्वारा ही पोस्टल बैलेट से वोट, सभी लोगों के वोट डाले जाकर दुरुपयोग किया जा रहा है, और वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ आर्मी के लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं,
और एक आदमी ही आर्मी वाला जो कई लोगों के नाम बोल बोल कर वोटें डाल रहा है, तो मामला गंभीर प्रकृति का है। इस पर मामले के संबंध में डीएम साहब को भी अवगत कराया जा चुका है और शासन को भी इसमें रिपोर्ट भेजी जा रही है और इसमें FIR की कार्रवाई भी की जा रही है। मेरे सहयोगी पुष्कर नेगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, इस वीडियो की क्या अभी तक जांच हो पाई है और जांच हुई है तो क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए काजोल, ये जो फेसबुक में जो हरीश रावत की तरह एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था कि किस तरह से जो है आर्मी का जो वीडियो बताया जा रहा है, इसकी पड़ताल तो पूरे कांग्रेस, चाहे वो जनपद चमोल के कांग्रेस हो या पिथौरागढ़ का, ये मामला बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़ में ही तहसीलदार जो SDM यहाँ के हैं, इनको जो है शहरी जो है कांग्रेस से प्रत्याशी की तरह दी गई है और इसकी जाँच जो है सीधे सीधे जो है डीएम साहब, जो डीएम जो है पिथौरागढ़ के, उनको भी संज्ञान में लाया गया है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि वीडियो कब का है और क्या है, किस संबंध में, लेकिन इस वीडियो में साफ ये दिख रहा है कि एक ही आदमी जो है एक ही बड़े पेपर में सबके साइन भी करा और दस्तखत भी करा और वोट भी डाला है, तो कहीं ना कहीं ये सच के घेरे में तो आते हैं, लेकिन अभी तक जो है इस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन जांच के इस पे जो आदेश जो जरूर समझ दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ऐसा मामला सामने नहीं आया। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति में इस समय जो भूटा टाइप का आया हुआ है, चाहे देहरादून से लेकर आपका पिथौरागढ़ हो या आपका चमोली हो या आपका रुपता हो, तमाम सारे जो कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया इसमें दे रहे हैं। हालांकि जब जांच से पता चलेगा कि ये वीडियो कहाँ का है और कब का है, अभी इस पे छानबीन जो है पिथौरागढ़ के जो जिलाधिकारी को उसको वीडियो का संज्ञान दिया गया है और इसका इस वीडियो को लेकर जो है यहाँ का प्रशासन जो है मुस्तैदी से देखने को मिला। और हालांकि जो आपने देखा होगा कि SDM जो पिथौरागढ़ के थे, उन्होंने जो है साफ इसमें कहा कि यदि वीडियो यहाँ का हो तो इस पे जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और इसका जो निष्पक्ष यहाँ पर जाँच भी जो है इस पे की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पिथौरागढ़ का ये वीडियो जो इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दरअसल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही व्यक्ति है जो बैलेट पेपर पर साइन करते हुए और वोट डालते हुए नजर आ रहा है। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के 20 गांव को जोड़ने वाली हेलंग उर्गम मोटर मार्ग का चुनाव खत्म होते ही सुधारीकरण भी बंद हो गया है। आधे अधूरे कार्य करवाकर PMGSY ने इतिश्री कर ली है। ऐसे में 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, कल्पेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले मेले में भक्तों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बदहाल हेलंग उर्गम मोटर मार्ग की हालत ये है कि वाहनों को धक्का लगाकर पहुंचाना पड़ता है। वहीं पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के पास ABVP की तरफ से तमिलनाडु में धर्मांतरण मामले में मृतका को न्याय दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान ABVP के विभाग संगठन मंत्री शाश्वत खंडूरी ने कहा कि तमिलनाडु में जबरन धर्मांतरण के दबाव में लावण्य नाम की छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। छात्रों को न्याय दिलाने के लिए ABVP की तरफ से तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराने से लेकर छात्रा की आत्मा की शांति के लिए पौड़ी में कैंडल मार्च निकाला गया। तमिलनाडु की धरती पे हमारी एक छोटी बहन जिसका नाम लावण्या था, उस लावण्या नामक छात्रा ने ईसाई मिशनरी के दबाव में आकर आत्महत्या उस छात्रा बहन ने की है। वो छात्रा बहन एक विद्यालय में पढ़ती थी और विद्यालय में पढ़ने के बाद वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में उसकी पढ़ाई चल रही थी और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में लगातार उस पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपना धर्मांतरण करो, आप ईसाई धर्म को अपनाओ, और लगातार उस विषय को लेकर उस पर और उसके परिवार पे दबाव बनाया जा रहा था। प्रताड़नाएं, तरह तरह की प्रताड़नाएं उस छात्रा बहन पे उस विद्यालय द्वारा की जा रहा था। उस छात्रा बहन ने अंततः परेशान होकर उसने अपना धर्मांतरण करने से मना किया और छात्रा बहन ने अंततः परेशान होकर उस छात्रा बहन को आत्महत्या करनी पड़ी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मानता है कि निश्चित रूप से आत्महत्या नहीं है, ये एक मर्डर है, ये एक षड्यंत्र के तहत उस छात्रा बहन को मारा गया है और हम अपनी छोटी बहन के न्याय के लिए पूरे भारत स्तर पे, पूरे उत्तरांचल प्रांत में एक बहुत बड़े आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं।
शिव भक्तों के हरिद्वार में आने से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आ रही है। आपको बता दें कि शिवरात्रि को लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर शिव भक्त अपने अपने क्षेत्रों में बने शिवालयों पर कांवड़ से जल अर्पित करते हैं, जिसके चलते हर साल कांवड़ का मेला आयोजित किया जाता है। पिछले 2 साल से कोविड संक्रमण के कारण ये मेला स्थगित किया गया था, लेकिन इस बार कोविड संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से आई कमी के कारण इस बार कांवड़ मेले पर रोक नहीं लगाई गई है, जिसके चलते हरिद्वार में शिव भक्तों का आगमन तेजी के साथ हो रहा है। पहले से काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि सरकार ने कोविड नियमों में भी काफ़ी ढील दी है और इलेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे निश्चित रूप से हरिद्वार में जो व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति हुई। कोविड की जो तीसरी लहर है वो तो पूरे देश में प्राय समाप्ति की ओर है, और इससे जो है हरिद्वार के बिजनेस में भी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, तो जितने पर्यटक हैं वो निश्चित रूप से उनमें बढ़ोतरी होगी। चमोली में बद्रीनाथ और सिखों के पवित्र स्थल के कपाट खुलने में कुछ ही महीने बाकी हैं, जिस कारण पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सुरक्षित यातायात के पूर्व ढांचागत योजना के मद्देनजर चमोली से बद्रीनाथ तक का सफर तय किया और यात्रा रूट की बारीकियों से जांच की है, और इसी के साथ ही संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो हमारी यात्रा अभी 8 मई से प्रारंभ होने वाली है बद्रीनाथ जी की, उसको लेकर पूरा जो यात्रा रूट है उसका सर्वे किया गया। जो भी हमारे संवेदनशील स्थल हैं या दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनका भी उनका चिन्हीकरण किया गया, कहाँ कहाँ हमारे अस्थाई चौकी और बूथ बनाए जाने हैं, कहाँ कहाँ हमारी फोर्स तैनात की जानी है, उस संबंध में भी एक प्रॉपर सर्वे किया गया। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ धाम में अभी जो है 3 से 4 फीट से ज़्यादा बर्फ़ है, उसमें हमारे PAC के जवान भी वहाँ तैनात हैं मंदिर की सुरक्षा में, उनसे भी धाम के बारे में जो भी चीज़ें हैं सुरक्षा संबंधी उनको भी दिशा निर्देश दिए गए, और आगे की जो हमारी यात्रा प्रारंभ होगी उसको लेकर एक तरह से एक हमने पूरा उसका सर्वे करके और क्या क्या हमारी प्लानिंग रहेगी उसके क्रम में कार्रवाई की गई। 30 जनवरी के दौरान लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर स्थित JK टायर्स लिमिटेड संस्थान में अग्निकांड के दौरान मौके पर कार्यरत एक कर्मचारी की बुरी तरह झुलसकर मौत हो गई थी। वह इस मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इसके तहत लक्सर के SDM वैभव गुप्ता समेत पुलिस विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम के अधिकारी संबंधित JK टायर्स लिमिटेड नामक औद्योगिक संस्थान में पहुंचे, वहीं घटनास्थल की जाँच और निरीक्षण किया। SDM वैभव गुप्ता के मुताबिक इसमें कई लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। मृत्यु हुई थी और इसमें आग लगने के कारण जो है यहाँ पर उसको व्यक्ति जो है गंभीर रूप से झुलस गया था, बाद में उसको देहरादून ले जाया गया था लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी, और जो कंपनी के द्वारा इसकी रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं की गई थी, तो इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय के आदेश से मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जा रही है, तो आज उसी के संबंध में वहाँ पर स्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें अग्निशमन के अधिकारी पुलिस के अधिकारी भी साथ में थे, सभी लोगों के वहाँ पर जो भी संबंधित हैं उनके बयान लिए जाएंगे और उसके बाद जो भी मामला जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संत निरंकारी मिशन पौड़ी शाखा की तरफ से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस पर निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने किया। संत निरंकारी सत्संग भवन गढ़ौली में गुरु पूजा दिवस के अवसर पर कई स्थानों से आए लोगों ने पंजीकरण करवाया। शिविर में रोगियों को दवा और चश्मा भी निःशुल्क वितरित किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान
जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल